इस भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके साथ ही मैं मुबारकबाद देता हूं जतवाल के नौजवान मातृशक्ति बच्चे और बुजुर्गों को, जिनके ये इतनी कड़ी मेहनत से ये हमारा जो आयोजन है भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव जो 7 साल से लगातार मनाते आ रहे हैं, वो एक बहुत भव्य तरीके से इसको मनाते हैं, और हर घर से हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग इसमें भाग लेता है। और इसी के साथ हम जतवाल भगवान परशुराम जी के मंदिर से चलते हैं, और उसके बाद हमारा अगला पड़ाव जो है वो गोगवाल होता है। गोगवाल से होते हुए जसाथ, रंधवाल, सनूरा, रायपुरा, और उसके बाद मवा, मवा के बाद हम सांबा से होते हुए दोबारा वापस जतवाल भगवान परशुराम जी के मंदिर में आकर वहाँ पे एक भंडारा होगा जिसका सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हर समाज, सर्व समाज को लेकर हम ये झांकी निकालते हैं, और हमारा ये मानना है कि सर्व समाज को लेकर हम जब तक चलेंगे तो हमारा भला ही भला है। और सभी लोगों के सहयोग से ये जो रैली है, इतना बड़ा जो जन समूह आप देख रहे हैं, ये लोगों की, नौजवानों की मेहनत और आप लोगों का जो सहयोग हमें मिलता है, हम इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। नृत्य अभी हो रहा था भगवान शिव जी और पार्वती जी का, जो लोगों तक आप पहुँचाते हैं, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो इतने जन समूह में आकर हमारी रैली को एक अच्छा। जो परशुराम जयंती जो हर साल की तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, और ये 7 साल से पिछले यह बड़ी सेलिब्रेशन की जा रही है। ये जतवाल की जो कमेटी है, जहाँ पे जो इनकी जो परशुराम जयंती की कमेटी, इस ढंग से जो मनाए जा रहे हैं, आज की कमेटी में हर धर्मों, हर कास्ट के लोग हैं, हर बरादरी के लोग हैं, हमारे हिंदू समाज जो है, हमारा जो सनातन है, हर फिरके के लोग हैं, हम सैकड़ों लोग हैं, हमारा सनातन जो है सबको लेके चलता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि परशुराम भगवान जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, हमने सच्चाई के रास्ते पे चलना है, इंसानियत के रास्ते पे चलना है, कोई फर्क नहीं रखना है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में जितनी भी सब कास्ट हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमने सबको इकट्ठे चलना है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि यहाँ पे सांबा के लोगों से कि हमें परशुराम जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। जय श्री राम, जय जय परशुराम। इस भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके साथ ही मैं मुबारकबाद देता हूं जतवाल के नौजवान मातृशक्ति बच्चे और बुजुर्गों को, जिनके ये इतनी कड़ी मेहनत से ये हमारा जो आयोजन है भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव जो 7 साल से लगातार मनाते आ रहे हैं, वो एक बहुत भव्य तरीके से इसको मनाते हैं, और हर घर से हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग इसमें भाग लेता है। और इसी के साथ हम जतवाल भगवान परशुराम जी के मंदिर से चलते हैं, और उसके बाद हमारा अगला पड़ाव जो है वो गोगवाल होता है। गोगवाल से होते हुए जसाथ, रंधवाल, सनूरा, रायपुरा, और उसके बाद मवा, मवा के बाद हम सांबा से होते हुए दोबारा वापस जतवाल भगवान परशुराम जी के मंदिर में आकर वहाँ पे एक भंडारा होगा जिसका सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हर समाज, सर्व समाज को लेकर हम ये झांकी निकालते हैं, और हमारा ये मानना है कि सर्व समाज को लेकर हम जब तक चलेंगे तो हमारा भला ही भला है। और सभी लोगों के सहयोग से ये जो रैली है, इतना बड़ा जो जन समूह आप देख रहे हैं, ये लोगों की, नौजवानों की मेहनत और आप लोगों का जो सहयोग हमें मिलता है, हम इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। नृत्य अभी हो रहा था भगवान शिव जी और पार्वती जी का, जो लोगों तक आप पहुँचाते हैं, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो इतने जन समूह में आकर हमारी रैली को एक अच्छा। जो परशुराम जयंती जो हर साल की तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, और ये 7 साल से पिछले यह बड़ी सेलिब्रेशन की जा रही है। ये जतवाल की जो कमेटी है, जहाँ पे जो इनकी जो परशुराम जयंती की कमेटी, इस ढंग से जो मनाए जा रहे हैं, आज की कमेटी में हर धर्मों, हर कास्ट के लोग हैं, हर बरादरी के लोग हैं, हमारे हिंदू समाज जो है, हमारा जो सनातन है, हर फिरके के लोग हैं,
हम सैकड़ों लोग हैं, हमारा सनातन जो है सबको लेके चलता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि परशुराम भगवान जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, हमने सच्चाई के रास्ते पे चलना है, इंसानियत के रास्ते पे चलना है, कोई फर्क नहीं रखना है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में जितनी भी सब कास्ट हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमने सबको इकट्ठे चलना है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि यहाँ पे सांबा के लोगों से कि हमें परशुराम जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। जय श्री राम, जय जय परशुराम।